बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस के अंदर जब भी हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे इफ़ेक्टिव एलिमेंट हमारा इमेज का रहता है। ऐसी इमेज जो पूरी की पूरी पोस्ट को प्रेजेंट करे कि पूरी पोस्ट किस रिलेटेड है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने एक इमेज को ऐड करके दिखाया हुआ है कि आप किस तरह से एक इमेज को एक ओवरव्यू के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कार रिलेटेड एक फीचर इमेज है जिसे मैंने सैम्पल टाइटल या सैम्पल डिस्क्रिप्शन देकर रिप्रेजेंट किया है। इस बैकग्राउंड इमेज को मैंने फीचर इमेज के तौर पर यूज़ किया है और फीचर इमेज आपके पास ये बताती है कि आप वो जो पोस्ट है वो किस रिगार्डिंग है। एक ओवरव्यू के तौर पर आज हम इसी एलिमेंट रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक पोस्ट में फीचर इमेज को ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस में जो फीचर इमेज होती है उसके कुछ कंट्रोल्स नहीं होते कि हम उसे किस तरह से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ये सारा कंट्रोल वर्डप्रेस की थीम के अंडर रहता है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं है कि हम उस थीम को किस तरह से कि हम उस इमेज को किस तरह से विजिबल कर पाते हैं। ये हमारे पास थीम के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी प्लान रहता है कि वो थीम उसे किस तरह से दिखाना चाहती है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बॉटम पर फीचर इमेज का ये टैब है, इस टैब में मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इसे व्यू करता हूँ तो मेरे पास इस थीम के अकॉर्डिंग ये फीचर इमेज टाइटल के बैकग्राउंड में दिख रही है। अगर मैं इस थीम को चेंज करता हूँ, इस थीम को चेंज करने के लिए मुझे डैशबोर्ड में जाना है, अपीयरेंस में थीम सेक्शन पर राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन करूँगा। मैं इसे यहाँ से थीम को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ हो सकती है। मैं यहाँ पर 2017 की ये वाली थीम अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली एक्टिवेट, एंड एक्टिवेट करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास इस वेबसाइट की थीम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और जो मेरी फीचर इमेज रहेगी ये लार्ज दिखेगी मेरी पूरी स्क्रीन पर। तो ये एक थीम का पार्ट है कि आप किस तरह से एक पोस्ट में डिस्क्रिप्शन के साथ फीचर इमेज किस तरह से प्रेजेंट होती है। इसी तरह से अगर मैं इसमें कोई और थीम अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें 2020 की ये थीम अप्लाई करता हूँ, लाइव प्रीव्यूज़ का देखता हूँ एक बारी में, एक्टिवेट एंड पब्लिश। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये थीम चेंज हो जाएगी और आपके पास ये इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, जिसमें आपका जो टाइटल है वो टॉपर होगा, डिस्क्रिप्शन होगा और फीचर इमेज इसमें हमारे पास बिलो में दिख रही है, यानी सबसे नीचे दिख रही है, इसका डिस्क्रिप्शन ये रहा हमारे पास। तो इस तरह से फीचर इमेज हमेशा थीम के द्वारा मेंटेन की जाती है। किसी भी फीचर इमेज को चेंज करने के लिए आपको फीचर इमेज सेक्शन में जाना है, आपके पास यहाँ पर ऐड न्यू फीचर इमेज का ऑप्शन होगा, अदरवाइज आप इसे रिप्लेस कीजिए या फिर उस पर्टिकुलर इमेज पर भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ और सेट फीचर इमेज, तो कुछ इस तरह से आप इमेज को सेट कर पाएंगे। अपडेट करने पर मैं जब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से चेंज होती दिख पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास थर्ड पार्टी की इमेज इसमें ऐड ऑन हो, इस फीचर इमेज में कोई थर्ड पार्टी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पोस्ट के अंदर जाके इमेज पर सेलेक्ट करना है और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप फीचर इमेज को यूज़ में ला सकते हैं।